हे hey है कैसे आप सब मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है

टिवेशन मिलेगी और ऐसे वीडियोस क्रिएट करने की तो अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और राइट गाइड्स यहाँ पर है हम लोग आफ्टर आफ्टरवैक्स के अंदर अब इससे पहले हम लोग आज का ये ट्यूटोरियल शुरू करें आपको दो चीजें करनी है नंबर वन आपको एक इमेज uh, डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट पर जाकर कोई भी न्यूज आर्टिकल का जो भी आपको शोकेस करना होगा यहाँ पर मैंने ऐसे ये पी इमेज जो है वो स्क्रीन कैप्चर कर लिया था एक वेबसाइट से इंडियन एक्सप्रेस से आप कोई भी ले सकते हो जो भी चीज आपको हाईलाइट करनी होगी ये बस मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है और दूसरी चीज आपको एक फ्री एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है आफ्टर आफ्टरफेक्स का विच इज कॉल एनिमेशन कम्पोजर आपको बस सिंपली गूगल पे जाना है मिस्टर हॉस या एनिमेशन कंपोजर टाइप करना है तो ये वेबसाइट आ जाएगी यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेना है ये बाद में काफ़ी काम आएगा फ्री है टेंशन लेने की बात नहीं है और एक बार आप उसे इंस्टॉल कर लोगे अगर आपका आफ्टर वैक्स ऑलरेडी ऑन था या रनिंग था तो उसे ऑफ़ करके या क्लोज करके फिर से रीस्टार्ट करना है इट्स दैट सिंपल ठीक है तो ये रहा हमारा इमेज जिसे हम एनिमेट करेंगे तो ये जो इमेज है ये मैंने काफ़ी हाई रेज में स्क्रीन कैप्चर किया था क्योंकि मैं फोर के मोनिटर यूज़ कर रहा हूँ तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा इस तरीके से तो ये अपने आप से उसी साइज़ का एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेगा फिर मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करूंगा इसे मैं नाम दे दूंगा रेंडर जो कि हमारा मेन कॉम्पोजिशन होगा साइज में रखूंगा 2K के दैट इज़ टू फाइव सिक्स जीरो आप चाहे तो फुल एच भी ले सकते हो या फोर भी ले सकते हो फ्रेम रेट मैंने सेट किया है थर्टी एफ पे और ड्यूरेशन टेन सेकेंड्स प्रेस ओके ठीक है अब इसमें मैं ड्रैक करूंगा हमारा जो न्यूज इमेज कॉम्पोजिशन जो था वो यहाँ पर ड्रैक कर लेंगे और स्केल करके छोटा कर सकते हैं अभी के लिए फिर मैं जाऊंगा इस कॉम्पोजिशन के अंदर और फिर इस पर मैं क्रिएट करूंगा वो मार्कर वाला एनिमेशन जो हाईलाइट होता है ना मार्कर से वो वाला इफेक्ट जो होता है तो उसे हम क्रिएट करेंगे और उसे क्रिएट करना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ईजी है यहाँ पर हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे मेक श्योर sure करना है कि फिल जो है वो नन पे सेट हो हमें सिर्फ स्ट्रोक की प्रॉपर्टी चाहिए तो इसे मैं रख दूंगा अराउंड नाइन्टी पिक्सल्स पर और यहाँ पर क्लिक करूँगा शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पर क्लिक करूँगा जिससे एक लाइन मिल जाएगी और फिर कलर मुझे जो भी चाहिए वो मैं कलर रख सकता हूँ वो लोग यूजुअली जो है येलो कलर प्रेफर करते हैं ब्राइट येलो कलर तो हम लोग उसी कलर का मार्कर uh, या हाईलाइट जो है वो क्रिएट करेंगे इस तरीके से और इसका जो ब्लेंड मोड है उसे मैं सेट कर दूंगा मल्टीप्लाई पे तो इस तरीके से ये हाईलाइट वाला इफेक्ट जो है वो हमें देखने मिल जाता है ठीक है अब इसे एनिमेट करेंगे एनिमेट करने के लिए बहुत ही सिंपल आपको इसमें बस ट्रिम पाथ ऐड करना है तो आपको जाना है इस शेप लेयर की प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पर आपको ये बटन मिलेगा ऐड के बाजू में तो इस पर क्लिक करके मैं ऐड करूँगा ट्रिम पाथ और अब हम इस ट्रिम पाथ को एनिमेट करेंगे कुछ ऐसे तो बेसिकली हम एंड प्रॉपर्टी एनिमेट करेंगे क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा जो मार्कर है वो लेफ्ट से राइट right जाए मार्कर नहीं एक्चुअली हाईलाइट है तो हाईलाइट कलर जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाए ठीक है तो इसे मैं सेट करूंगा जीरो पर क्रिएट करेंगे की फ्रेम जाएंगे अराउंड वन सेकेंड एंड फिफ्टीन फ्रेम और इसे मैं सेट कर दूंगा हंड्रेड पर तो हमें ये बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन मिल जाता है अब ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्लेन लग रहा है तो इसे थोड़ा सा डायनामिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे एफ़ नाइन प्रेस करेंगे इसे ईजी ईज करने के लिए और फिर मैं जाऊंगा ग्राफ एडिटर में राइट right क्लिक करूंगा और मेक श्योर sure करना है कि हम लोग स्पीड ग्राफ में काम कर रहे हो अगर नहीं हो तो इस पर बस क्लिक कर देना जिससे आपका स्पीड ग्राफ यहाँ पर दिखने लग जाएगा एंड फिर मैं एंड प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूंगा और हमें ना काइंड ऑफ एक माउंटेन बनाना है कर्व के साथ जिससे जो एनिमेशन है वो जहाँ पर भी ये कर्व कम है वहाँ पर स्लो रहेगा और जैसे जैसे वो कर्व ऊपर जा रहा है वहाँ पर वो फास्ट होगा तो इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी मूवमेंट हमें देखने मिल जाती है और इसी काम को आसान करने के लिए हमने जो पहले स्क्रिप्ट इंस्टॉल की थी एनिमेशन कंपोज़र तो उसके साथ हमें मिल जाता है ये की फ्रेम विंगमैन ठीक है तो ये स्क्रिप्ट की हमें ज़रूरत है अब इससे क्या होता है कि मैं यहाँ पर जाकर ट्विक करने से बेटर और हर एक बार मुझे अगर बार बार किसी और लेयर में मुझे सेम एनिमेशन देना है या सेम कर्व क्रिएट करना है तो ये बार बार करने में बहुत टाइम लग जाएगा तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ मुझे की फ्रेम सेलेक्ट करने हैं और इन हैंडल्स को यूज़ करके मैं इस तरीके से इसे पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ तो अगर मल्टीपल क्री फ्रेम्स होंगे इस पर तो मैं सारे की फ्रेम्स को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ तो हमें ये बहुत ही अच्छा सा एनिमेशन यहाँ पर मिल जाता है बट अभी भी ना ये मार्कर जो है ना ये काफ़ी सिंपल लग रहा है मुझे मैं चाहता हूँ कि वो जब हम यूजुअली जब रियल में मार्कर से अगर किसी पेपर पे इस तरीके से लाइन बनाएंगे ना तो वो जो उसका कलर होता है ना वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है तो वो इफ़ेक्ट या वो रियलिज्म क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक इफ़ेक्ट जिसका नाम है आई थिंक इट वॉज रफ़ इन एजिस डबल क्लिक करेंगे इसे अप्लाई करने के लिए फिर जो एज शार्पनेस है उससे मैं सेट कर दूंगा फाइव पर और जो स्केल है उससे मैं कम कर दूंगा अराउंड फोर्टी तो ये बहुत ही सटल सा इफ़ेक्ट है देख सकते हो किस तरीके से जो इम हमें मिल रहे हैं और वही मुझे चाहिए था काफ़ी मिनिमल इफ़ेक्ट है बट यही जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना यही आपके काम को स्टैंड आउट करता है और और ज़्यादा ऑथेंटिक और रियलिस्टिक बनाता है सो दैट इज़ लुकिंग रियली नाइस आई थिंक तो अब मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लूँगा कंट्रोल डी प्रेस करके और इससे मैं नीचे मूव कर लूँगा ताकि हमारा जो पूरा मेन जो टेक्स्ट है वो कवर हो जाए कुछ ऐसे ओके और अगर मुझे इस पाथ की साइज़ एडजस्ट करनी है तो मैं कॉन्टेंट्स में जाऊँगा शेप और पाथ में पाथ सेलेक्ट करूँगा और इससे मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा इस तरीके से क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है ठीक है अब मुझे कुछ और चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करनी है तो वो भी मैं कर देता हूँ जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली बस सेंटेंसेज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट करना है तो मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लूँगा कंट्रोल डी प्रेस करके पी प्रेस करूँगा ताकि पोजिशन प्रॉपर्टीज़ मिले और इसे मैं नीचे ले लूँगा इस तरीके से तो ये फर्स्ट टेक्स्ट मुझे पहले तो हाईलाइट करना है फिर इसके जो पाथ है वो सेलेक्ट करूँगा और इससे मैं यहाँ तक मूव कर लूँगा कुछ ऐसे ठीक है जो साइज़ ऐसा थोड़ा कम कर लेंगे अराउंड सेवेंटी फाइव या एटी परसेंट शुड बी गुड पिक्सल्स नॉट परसेंट एक्चुअली तो यस yes, ये काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और फिर और एक डुप्लीकेट बनाऊँगा कंट्रोल डी प्रेस करके और इससे मैं नीचे मूव कर लूँगा कुछ ऐसे और अगेन इसके पात प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम और मुझे बस ना यहाँ तक ही से हाईलाइट करना है ओके सो दैट इज़ लुकिंग नाइस तो हमने ये जो एनिमेशन है वो हमें मिल चुका है अब हमें इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है मतलब मैं नहीं चाहता कि सारे जो एनिमेशन है वो एक साथ काम करें एक के बाद एक आए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा सिम्पली डिस्प्लेस कर दूंगा बाय 15 फ्रेम्स तो so मैं जाऊँगा 15 फ्रेम्स पर इसे मैं रख दूंगा यहाँ पर फिर वन सेकेंड पे या वन सेकेंड फिफ्टीन फ्रेम्स पर जाते हैं थोड़ा सा और लेट और फिर टू सेकेंड फिफ्टीन फ्रेम्स के अराउंड हूं ये वाला मार्कर आएगा तो इस तरीके से पहले ये मार्कर फिर सेकेंड फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ अब हम कुछ डायनामिक कैमरा एंगल्स वगैरह जो है वो क्रिएट करेंगे तो हम जाएंगे मेन रेंडर कॉम्पोजिशन के अंदर तो सबसे पहले तो इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे कन्वर्ट कर दूंगा एक थ्री लेयर में फिर मैं कर प्रेस करूंगा पी जिससे हमें पोजिशन प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी और जो स्टार्टिंग का पोजिशन है वो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रहे कुछ ऐसे तो हमारा जो टाइम इंडिकेटर है इसे मैं प्लेस कर दूंगा जीरो पर क्रिएट करूंगा एक की फ़्रेम पोजिशन पर और फिर मैं प्रेस करूंगा आर टू ब्रिंग डाउन दी रोटेशन और एक्स वाई एंड जी इन तीनों ही रोटेशंस पर मैं की फ़्रेम्स क्रिएट कर लूँगा फिर मैं फिर से लेयर से लेकर के यू प्रेस करूँगा जिससे जिस भी प्रॉपर्टी पर की फ्रेम लगी हुई है ना वो प्रॉपर्टी हमें दिखने लग जाएगी फिर हम जाएंगे अराउंड वन सेकेंड एंडलेट्स को अराउंड वन सेकेंड टेन फ्रेम्स इसको मैं काफ़ी करीब ले लूँगा शिफ्ट होल्ड करके इस तरीके से जूम इन कर लूंगा और पोजीशन हम लोग इस तरीके से नीचे भी मूव कर सकते और इस तरीके से एक अच्छा सा एंगल दे दूंगा अराउंड माइनस ट्वेंटी सेवन कुछ ऐसे ओके okay, तो ये रहा हमारा पहला एनिमेशन फिर मैं जाऊंगा अराउंड थ्री सेकेंड्स और हम इस तरीके से नीचे आ जाएंगे जहां पर हमारे दूसरे जो चीजें हाईलाइट हो रही है वहां पर और फिर हम इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे और पोजीशन को थोड़ा सा पीछे ले लूंगा मैं ओके तो ये रहा हमारा फर्स्ट एंड देन सेकेंड एनिमेशन फिर मैं जाऊंगा अराउंड फोर सेकेंड एंड फिफ्टीन फ्रेम्स और इस बार मैं इसका जो पोजिशन है रोटेशन है वो चेंज कर लूँगा फिर से कुछ ऐसे अराउंड माइनस सिक्सटीन और वाई को रख देंगे अराउंड माइनस ट्वेंटी थ्री और एक्स को रखेंगे माइनस ट्वेल्व और फिर पोजिशन में थोड़ा सा क्लोजअप ले लूँगा यहाँ पर जो भी चीज़ों पर मुझे फोकस करना है ना वो चीज़ें मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि क्लोज़ अप में रहे कुछ ऐसे तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये थर्ड एनिमेशन एंड फिर फाइनली एट सिक्स सेकेंड्स मैं जो स्टार्टिंग वाले की फ्रेम्स थे उन्हें कॉपी पेस्ट कर लूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो फिर से अपने पहले वाली जगह पे आ जाएगा तो अगर अभी मैं इसे प्रीव्यू करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लेम लग रहा है बहुत ही बेसिक लग रहा है तो इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सिंपली सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर जो की फ्रेम विंगमैन स्क्रिप्ट था उसमें यहाँ पर मैं टाइप कर दूँगा एटी तो अब अगर मैं कि यहां पर जाऊँ हमारे ग्राफ एडिटर में तो आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है इस तरीके से हमने सारे की फ्रेम्स को एडजस्ट कर लिया है एक ही बार में हम लोग को एक ही की फ्रेम्स को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं तो अब अगर मैं इसे प्रिव्यू करूं तो हमें बहुत ही कूल सा एनिमेशन देखने मिल जाता है राइट काफी सही लगा मुझे फिर मैं बहुत ही क्विकली एक बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ वाइट कलर का तो कंट्रोल वाई प्रेस करके एक न्यू सॉलिड क्रिएट करेंगे नाम दे दूंगा बीजी फॉर बैकग्राउंड व्हाइट कलर सही है तो इससे जो कटआउट ब्लैक सेक्शन है वो नहीं हमारे देखेंगे और ये काफ़ी क्लीन लुक देगा हमें इस तरीके से बहुत ही सही लग रहा है मुझे लगता है अब इसे थोड़ी सी हैंड हेल्ड फील देने के लिए न्यू कैमरा लेयर ऐड करूँगा फिफ्टी मिलीमीटर्स इज़ फाइन प्रेस ओके और फिर मैं क्रिएट करूंगा एक न्यू नल ऑब्जेक्ट इसे मैं थ्री डी लेयर में कन्वर्ट कर दूँगा इसे मैं नाम दे दूँगा कैम कंट्रोल ठीक है और फिर जो हमारा कैमरा है उसे हम लिंक कर देंगे इस नल ऑब्जेक्ट को ठीक है फिर मैं प्रेस करूंगा पी पोजिशन प्रॉपर्टीज़ के लिए और ऑल्ट होल्ड करके स्टॉप वॉच पे क्लिक करूंगा और एक बहुत ही सिंपल सा विगल एक्सप्रेशन इस पर ऐड करूंगा तो टाइप करेंगे विगल ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा मे बी वन कॉमा आम लेट्स गो विथ एट लेट्स ओके एट थोड़ा कम है मुझे लग रहा है ज़्यादा विगल चाहिए हमें बहुत ही कम है थोड़ा सा फास्ट भी कर लेता हूँ तो टू एंड टेन रखते हैं जब अभी एक बहुत ही अच्छा सा हैंड हेल्ड फील्ड हमें देखने मिल जाता है देख सकते हो थोड़ा फास्ट लग रहा है मुझे तो वन ही सही है टू थोड़ा ज़्यादा लग रहा है फास्ट एकदम सटल सा कैमरा मूवमेंट चाहिए और ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हमारे पूरे एनिमेशन को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देती है तो दिस इज़ लुकिंग नाइस एंड अब सबसे बेस्ट चीज़ हम करेंगे वो है हम ऐड करेंगे एक अच्छा सा डेप्थ तो उसके लिए मैं जाऊँगा कैमरा ऑप्शंस में टर्न ऑन करूँगा डेप्थ ऑफ फील्ड को फिर हम जाएंगे एकदम स्टार्ट में ठीक है हमारे फोकस डिस्टेंस तो सही लग रहा है बट बाद में देखते हैं उसे एपिचर को मैं सेट कर दूंगा 150 के अराउंड और ब्लर को भी सेट कर देंगे 150 के अराउंड ठीक है ओके तो ये फोकस में नहीं है तो अभी इसे फोकस में लाने के लिए मैं स्विच करूंगा एक्टिव कैमरा से टॉप व्यू में और जहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है ना यहाँ पर ये है हमारा फोकस डिस्टेंस अगर मैं इसे एडजस्ट करूँ आप देख सकते हो ये है हमारा फोकस डिस्टेंस वाली लाइन और हमारा जो न्यूज़पेपर का इमेज है वो यहाँ पर है तो हमें हमारी फोकस डिस्टेंस की लाइन को हमारे पेपर के ऊपर लेके आना है ताकि वो प्रॉपरली फोकस में रहे ऐसे और अब अगर मैं जब एक्टिव कैमरा में तो अब ये प्रॉपरली फोकस में आ चुका है तो अब हम एनिमेट करेंगे फोकस डिस्टेंस और डेप्थ ऑफ फील्ड को तो मैं की फ्रेम्स क्रिएट करूँगा फोकस डिस्टेंस पर अपेचर पर अपर्चर अपर्चर पर नॉट एपेचर ब्लर लेवल पर और इन तीनों पर सही है ठीक है प्रेस करेंगे यू और अब मैं इस न्यूज़पेपर वाले हमारा जो कॉम्प है उसको भी सिलेक्ट करके यू प्रेस करूँगा ताकि हमें की फ्रेम्स दिखे तो हम वहीं वहीं पर जाकर की फ्रेम्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे फिर और फोकस डिस्टेंस जो है उससे मैं एडजस्ट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके करोगे तो, तो थोड़ा फास्ट वे में होगा सो दैट्स दैट ओके अब यहाँ पर हमें एपचर और ब्लर लेवल को थोड़ा कम करना है ताकि ये जो एरियाज़ है वो भी रीडेबल हो तो इसे मैं सेट कर दूंगा अराउंड हंड्रेड और इसे भी हम सेट कर देंगे हंड्रेड पर ठीक है तो ये सही है फिर हम जाएंगे यहाँ पर और इस बार मैं इसे थोड़ा बढ़ा दूंगा तो समथिंग लाइक दैट और फिर हम फोकस डिस्टेंस को फिर से जो है वो एडजस्ट कर लेंगे कुछ ऐसे फिर हम जाएंगे यहाँ पर फिर से फोकस डिस्टेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और ब्लो लेवल थोड़ा कम कर दूंगा एंड फिर फाइनली यहां पर हम सिंपली जो पहले वाले की फ्रेम्स हैं उन्हें कॉपी पेस्ट कर देंगे और फिर इन सारे ही की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके सिर्फ इस बटन पे क्लिक कर देना है जिससे वो सिमिलर जो कर्व हमने इस पर ऐड किया था वो इस इन की फ्रेम्स पर भी ऐड हो जाएगा तो क्या वो एनिमेशन के साथ अलाइन होंगे तो अब अगर मैं प्रिव्यू करूँ तो मैं एक अच्छा सा डेप्थ देखने मिल जाता है पूरे सीन में बट इसे और एक स्टेप ऊपर लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे टर्न ऑन करेंगे मोशन ब्लर तो यहाँ पर जाऊँगा इसे सेलेक्ट करके मोशन ब्लर ऑन कर दूँगा तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही अच्छा सा मोशन ब्लर हमें देखने मिल जाता है जिससे जो पूरा लुक है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है तो अगर चलिए इसे प्रिव्यू करते हैं बहुत सही लग रहा है मुझे अब अगर आप चाहो तो इस तरीके से ही इसे यूज कर सकते हो बट आपको और ऑर्गेनिक अगर फील देनी है ना तो आपको क्रिएट करना है एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर इससे मैं नाम दे दूंगा इफेक्ट और इस पर हम एक इफ़ेक्ट ऐड करेंगे दैट इज़ पॉस्चराइज टाइम अब पॉस्चराइज टाइम क्या करता है बेसिकली जैसे कि मेरा ये जो कॉम्प है वो है थर्टी एफ का बट जैसे ही मैं किसी भी लेयर के ऊपर या किसी भी कॉम्पोजिशन uh, या लेयर्स के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर डाल के या उस लेयर के ऊपर अगर पॉस्चुराइज टाइम ऐड कर देता हो तो वो उसका जो फ्रेम रेट है ना हम उसे यूज करके उसे कम ज्यादा कर सकते हैं उस लेयर के ऊपर या तो उसके नीचे जो भी लेयर है उनके लिए तो यहाँ पर अगर मैं इसे सेट कर दूँगा 5 पर तो अब ये पूरा जो नीचे का एनिमेशन है वो 5 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से प्ले होगा इस तरीके से तो 5 मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो अराउंड मेबी 10 या 12 सही लगेगा मुझे लगता है जो पूरा न्यूज़पेपर का जो लुक है ना ऑथेंटिक लुक वो हमें देखने मिल जाता है तो इट्स अ सब्जेक्टिव चॉइस कि अगर आपको ये इफेक्ट पसंद है तो आप ऐसे जा सकते हो अगर नहीं पसंद है तो इसे बस बंद कर देना तो आपको जो हमारा नॉर्मल इफेक्ट था वो देखने मिल जाएगा बट मुझे लगता है कि वो इफेक्ट्स है ना एक ऑर्गेनिक सी फील आती है तो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली यूज और फिर हम ऐड करेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन टेक्स्र्स जिससे ये पूरा जो एनिमेशन है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग दिखेगा तो सबसे पहले तो है ये एनिमेटेड पेपर टेक्स्र इसे मैं इस तरीके से ऊपर ऐड कर लूँगा स्केल कर लेंगे और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ना उससे मैं सेट कर दूँगा मल्टीप्लाई पर और बाय द वे आपको ये सारे टेक्सचर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पैक में मिल जाएंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो मैं दिखा देता हूँ छोटा सा प्रमोशन भी हो जाएगा मेरा तो यहाँ पर जाना है मेरे वेबसाइट पर स्टोर में जाके आपको मिल जाएगा ये ट्रांजेक्शन ओवरलेजर साउंड इफेक्ट्स पैक जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ अभी फ़्लैट सिक्सटी परसेंट ऑफ चल रहा है फॉर फर्स्ट डाउनलोड आई थिंक अराउंड एट्टी या एटी फाइव डाउनलोड्स हो चुके हैं तो अभी चांस है बाद में इस पैक की जो प्राइस वो बढ़ जाएगी तो अगर आप चाहो तो अभी जाके इसे परचेज़ कर सकते हो ठीक है बहुत ही अमेजिंग है ऑब्वियसली मैंने बनाया तो अच्छा होगा गई बट या इट्स अमेजिंग और मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेफ़िनेटली उसे ट्राई कर सकते हो अपने वीडियोस में और अच्छा दिखेगा ही वो तो इसकी जो ओपेसिटी है उसे मैं थोड़ा कम कर दूंगा थोड़ा कम इंटेंस मुझे रखना है इसे सेवेंटी परसेंट पर ठीक है और इसके ऊपर एक और स्क्रैच ओवरले मैं ऐड करूंगा ये स्क्रैच ओवर भी आपको मेरे पैक में मिल जाएगा और फिर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं सेट कर दूँगा स्क्रीन पर और अब अगर इसे मैं प्रिव्यू करूँ तो मैं बहुत ही कूल cool सा लुक जो है वो देखने मिल जाता है तो ये था एक एनिमेशंस जो आप लोगों ने सजेस्ट किया था बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि इस पर एक ट्यूटोरियल बनाओ जो वॉक्स में या सोच बाय मोहक मंडल में बहुत सारे लोग इन्हें यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली काफी सिंपल इफेक्ट है दिखने में भी बहुत कूल cool लगता है और आप इसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर को हाईलाइट करने के लिए यूज किया है बट अगर आप चाहो तो आपका यूट्यूब पेज का एक स्क्रीन डाल दो या इंस्टाग्राम प्रोफाइल का स्क्रीन डाल दो और प्रो... और जो फॉलो बटन है उसको हाईलाइट करो और इस तरीके से एनिमेशन बना सकते हो बहुत सारी अलग अलग चीज है जो आप ट्राई कर सकते हो सो दैट इज रैप गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताया कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो डो डॉट मोशन और निकल पवार पे और मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स और एनिमेशन की जो आप जाके अभी चेकआउट कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ स्टे क्रिएटिव पीस आउट